नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर से इन पांच चीजों को आज ही निकाल फेंके, रोकती है तरक्की का रास्ता। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति मेहनत से अपने सपनों का घर बनाता है और छोटी बड़ी चीजें जोड़कर अपने घर को सजाता है। घर और घर पर सभी छोटी से बड़ी वस्तुओं से वास्तु जुड़ा होता है। अगर घर का वास्तु ठीक होता है तो सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, लेकिन अगर घर का वास्तु बिगड़ जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर पर दरिद्रता छा जाती है। घर पर रखी हर चीज वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर मौजूद ऐसी कई चीजें होती हैं जो घर को नरक बना देती हैं? इसलिए इन बेकार और अनावश्यक चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपके घर की खुशहाली और तरक्की में बाधा उत्पन्न करती हैं? पुरानी घड़ी। घड़ी ना सिर्फ सही समय बताती है बल्कि इससे घर की सुख समृद्धि भी जुड़ी होती है। अगर घर की घड़ी टूटी फूटी और बंद पड़ी होती है तो व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर की घड़ी टूटी फूटी है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाएं, या फिर घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत सही कराएं। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी से घर पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कबाड़ का सामान। कई लोग अपने घर की बालकनी या छत पर बेकार और अनावश्यक सामानों को स्टोर करते हैं जो कि वास्तु के अनुसार बहुत गलत है। ऐसी चीजों से न सिर्फ घर की छत या बालकनी में गंदगी बढ़ती है बल्कि यह घर की तरक्की में भी बाधा उत्पन्न करती है। पेंटिंग या तस्वीरें। घर को सजाने संवारने के लिए कई लोग पेंटिंग और तस्वीर दीवारों पर लगाते हैं, लेकिन पेंटिंग का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। घर पर कभी भी ताजमहल, डूबती नाव, जंगली जानवर और युद्ध या आक्रामक तस्वीरें ना लगाएं। ये तस्वीरें घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। टूटी अलमारी। घर की अलमारी का संबंध धन संपत्ति से होता है। यह ऐसी जगह होती है जिसमें ना सिर्फ कपड़े बल्कि घर के जरूरी सामान, कैश और जेवरात आदि भी रखे जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर की अलमारी टूटी फूटी है तो इसकी मरम्मत कराएं। टूटी अलमारी आपको कंगाल बना सकती है। सिर्फ अलमारी ही नहीं बल्कि घर पर टूटा फूटा या बेकार कोई भी सामान रखने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर पर दरिद्रता का वास होने लगता है। कैंची। कैंची का प्रयोग घर से जुड़े कई कामों में किया जाता है। कागज और कपड़ों की कटिंग के लिए कैंची मददगार होती है, लेकिन इसके गलत प्रयोग से पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। वास्तु के अनुसार जब कैंची का प्रयोग ना किया जाए तो इसे खुले में ना रखें, बल्कि इसे किसी कपड़े या कागज में लपेटकर रखना चाहिए। इसके अलावा जरूरत ना होने पर अनावश्यक कैंची चलाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि कैंची किसी को उधार नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति के साथ कैंची का लेन देन करते हैं उसके साथ संबंध बिगड़ जाता है। साथ ही जंग लगी कैंची या फिर जिस कैंची का इस्तेमाल ना होता हो उसे घर पर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।